एक वक्त का किस्सा है। श्यामपुर गांव में बिट्टू नाम का एक धोबी अपनी दुकान चलाया करता था। उस गांव के सभी लोग उससे कपड़े इस्त्री करवाया करते थे। उसके पास जो भी कपड़े धुलने के लिए आते, वो अपनी दुकान के साथ मौजूद नहर पर वो कपड़े धोता और अपनी दुकान के साथ ही उन्हें सुखाता और फिर उन्हें इस्त्री करता। उसकी बीवी उसके काम से खुश तो थी, मगर बिट्टू की मसरूफियत की वजह से टाइम न देने वो अक्सर नाराज भी रहती थी। बिट्टू, मैं खाना ले आई हूँ, खा लेना। बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया, कसम से बहुत भूख लग रही थी। अच्छा किया जो खाना ले आई हो, चलो एक साथ मिलकर खाते हैं। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ खाना खाने का। आप खुद ही खाओ और लोगों के कपड़े इस्त्री करो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अरे बेगम, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं कमाता हूँ तो तुम कितने अच्छे अच्छे खाने बनाती हो। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो हम खाएंगे कहाँ से? इसलिए मेरी बेगम, तुम गुस्सा मत किया करो। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम से खाना खा लेना और शाम में जल्दी घर आ जाना, आज अम्मी के घर जाना है। ठीक है बेगम, आज पक्का वादा, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर लेकर जाऊंगा। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी और सास के साथ उनके घर में रहता था। और असीबा भरी बेटी, तू क्यों कपड़े धो धो कर अपने आप को हल्का करती है? अपने शोर से कपड़े धुलवाया कर, सारा दिन घर में पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है। सासू, मैं इतने ताने देने की जरूरत नहीं है मुझे। शुक्र करो तुम्हारे घर एक गबरू जवान लड़का रहता है, जिसकी वजह से कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। कदर करो मेरी। मीठे, तू क्या अपने आप को टोम्ब क्रूज समझता है? किसी की हिम्मत नहीं है मेरे होते हुए आंख उठा कर भी देखे। मेरे से ये कपड़े नहीं धुल रहे, चला कर कपड़े धो वरना मेरे घर से निकल जा। अरे मेरी बेगम, तू गुस्सा क्यों करती है? मैं धोता हूँ कपड़े। फिर मीठा आता है और कपड़े धोने लग जाता है। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, पूरे घर की झाड़ू भी दो, खाना भी पकाओ और अब कपड़े भी धो। नहीं नहीं मीठे, अपनी इज्जत खराब मत कर। ये क्या, जल्दी हाथ चला, सोच क्या रहे? तुझे भी पता लगे कपड़े धोना कितना मुश्किल काम है। ओ मेरी बेगम, सारा दिन घर के काम करके मेरी हालत खराब हो गई है, मैं ये कपड़े बाजार जाके धुलवा लेता हूँ। मुफ्त में कपड़े नहीं धुलते, पैसे गोद देगा। ओ बेगम, पैसों का बंदोबस्त भी मैं कर लूँगा, तू परेशान मत हो, मैं ये कपड़े बाजार ले जाकर धुलवा रहा हूँ। फिर मीठा कपड़ों की गठरी लेकर जाता है और बिट्टू की दुकान पर पहुँच जाता है। भाई साहब, ये सारे कपड़े अच्छी तरह धोने हैं, कोई दाग धब्बा नजर न आए। भाई साहब, आप परेशान मत हो, मैं सर्फ लगा कर डंडे मार मार के धोऊंगा, एक भी दाग नहीं रहेगा। ख्याल करें कपड़े फट ना जाएं, वरना मेरी बेगम मुझे फाड़ देगी। अरे नहीं, आप बेफिक्र होकर चले जाएं, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर का पता बताता हूँ, शाम में मेरे घर कपड़े पहुँचा देना और पैसे वहीं से आकर ले जाना। फिर मीठा उसे अपने घर का पता बताकर वहाँ ले जाता है और बिट्टू वो सारे कपड़े धोना शुरू कर देता है। और जब शाम होती है तो वो कपड़े लेकर मीठे के घर चला जाता है और दरवाजा बजाता है। जा नसीबो, जाकर देख मीठा आया होगा। अच्छा अम्मा, मैं देख के आती हूँ। नसीबो बाहर आती है तो बाहर बिट्टू कपड़े लेकर खड़ा होता है। बाजी, मीठा भाई ये कपड़े धुलवाने के लिए देकर गया था, मैं धोकर ले आया हूँ, 1500 रुपए धुलाई के दे दो। ला मुझे कपड़े दे, मीठा भी घर पर नहीं है, जब वो आएगा तो तुझे पैसे दे देगा। नसीबो कपड़े लेकर अंदर चली जाती है और बिट्टू सोचने लगता है, अजीब लोग हैं, पैसे भी नहीं दिए और कपड़े भी ले गए, मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर उसके आने का इंतजार करता हूँ। बिट्टू मीठे के घर जो चारपाई पड़ी होती है उस पर लेट जाता है, उसे इतना सुकून मिलता है कि उसकी आंख लग जाती है और उसकी जेब में जो पैसे होते हैं वो निकल कर जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद मीठा आता है और वो वहाँ पैसे देखकर खुश हो जाता है और वो पैसे उठा लेता है। ओ मोटे हो,
उठ, ये क्या तेरे सोने की जगह है। बिट्टू उठता है और मीठे के हाथ में अपने पैसे देखता है। भाई जान ये मेरे पैसे हैं, पूरे 4,000 रुपए हैं, मुझे वापस करो। और कपड़ों की धुलाई के 1,500 रुपए हो गए हैं, वो भी दे दो। अच्छा, जो तुम मेरी मजेदार जगह पर मजे लेकर लेटा है उसके पैसे कौन देगा? क्या मतलब भाई? मतलब ये कि इस जगह पर बैठने लेटने और सोने के मैं 5,500 रुपए लेता हूँ, 1,500 रुपए तेरी धुलाई के कटे तो 4,000 रुपए मेरे आ गए। चल अब शाबाश यहाँ से निकल, और अगर आइंदा यहाँ आकर खड़ा हुआ तो 5,500 रुपए से मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। ये कहकर मीठा भी अंदर चला जाता है और बिट्टू उसे हैरत से देखता रह जाता है और घर पहुंचकर सबको बताता है। क्या उस जगह पर सोने के उसने तुझसे 5,500 रुपए ले लिए? हाँ अबू जान, वो बहुत चालाक इंसान है। कह रहा था अगर दोबारा यहाँ खड़े हुए तो 5,500 रुपए एक दिन का देना होगा। बिट्टू के बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि उसे कैसे सबक सिखाया जाए। तभी वो बिट्टू को कहता है, बेटा तू एक काम कर, उससे वो जगह 1 महीने के लिए ले ले। अबू जान हम उस जगह का क्या करेंगे, और अगर 1 महीने के लिए लेंगे भी तो पैसे बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तू पैसों की फिक्र मत कर, पैसे मैं दूंगा, बस हम कल ही वो जगह 1 महीने के लिए लेंगे। बिट्टू को कुछ समझ नहीं आता, मगर जब अगला दिन निकलता है तो वो अपने बाप और गांव के कुछ लोगों के साथ मीठे के घर आ जाता है। मीठे भाई, हमें आपके घर के बाढ़ वाली जगह 1 महीने के लिए चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। ये बात सुनते ही मीठे के दिल में तो जैसे खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। पर बेटा, तुम ये जगह 1 महीने से पहले हमसे खाली नहीं करवाओगे? अगर खाली करवाई तो तुम्हें डबल पैसे देने होंगे। मैं पागल हूँ जो आपसे 1 महीने से पहले जगह खाली करवाऊँ? 5,500 के हिसाब से महीने के 1,50,000 रुपए बनते हैं, वो मुझे दे दो और मेरे घर के बाहर वाली जगह ले लो। वो उसे 1,50,000 रुपए देकर चले जाते हैं। मीठा तो खुशी से निढाल हो जाता है। देख ले बेगम, तेरा शोहर घर पर बैठ के कैसे नोट छाप रहा है, मेरी कारीगरी चेक कर। घर के बाहर वाली बेकार जगह मैंने 1,50,000 रुपए रेंट पर दे दी, अब करेगी अपने शोहर की इज्जत। अरे बेटे मेरी जान की टूटी इज्जत, तो क्या मैं तेरे पांव धो धो के पी दूंगी? तू बस आराम कर, घर के सारे काम मैं कर दूंगी। अबू जान, हमने इतनी बड़ी रकम तो उसे दे दी है, पर हम उस बेकार जगह का क्या करेंगे? बेटा तू अपने कपड़े और इस्त्री उठा और उसके घर के बाहर बैठकर इस्त्री करना शुरू कर दे। पर उससे क्या होगा? बेटा मैं जो तुझे कह रहा हूँ तू बस वही कर। फिर बिट्टू मीठे के घर के बाहर सेठ के कपड़े इस्त्री करने लग जाता है। मीठा, उसकी बीवी और माँ उसे देखकर खूब हंसते हैं। बेटा तू इन्हें हंसने दे, बस रात होने का इंतजार कर। फिर जब रात होती है तो बिट्टू का बाप एक गाय लेकर आता है। उस वक्त मीठा, नसीबो और उसकी सास सो रहे होते हैं। अचानक गाय की आवाज से उनकी आंख खुलती है। मीठे, ये गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? सारी नींद खराब कर दी मेरी। अरे बेगम, नींद तो मेरी भी खराब हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ। मीठा गुस्से में बाहर आता है तो गाय के गोबर की बदबू और आवाज सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बिट्टू को समझ आती है कि उसके बाप ने क्या कमाल की चाल चली है। और तुम्हें अकल है कि नहीं, मेरी जगह पर गाय लाकर बांध दी है, इसकी बदबू और गा ने मेरी सारी नींद बर्बाद कर दी है। ओ हेलो, ये जगह आपकी नहीं, ये हमने 1 महीने के लिए ली है, हम 1 महीने जो मर्जी करें। मीठा वापस अंदर आ जाता है और वो रात गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो बिट्टू का बाप वो गाय ले जाता है। मीठे, ये तेरी वजह से हुआ, देख मेरे घर के आगे कितना गोबर मचा दिया इन्होंने, चल मीठे सारा गोबर साफ कर। फिर मीठा गोबर साफ करने लग जाता है। इस तरह सारा दिन गुजर जाता है। शुक्र है मीठे वो गाय लेकर नहीं आए, मैं तो कल रात की जागी हूँ, आज सुकून से सोऊंगी। हाँ बेगम, आज तो मैं भी सुकून से सोऊंगा, कसम से गोबर साफ कर कर के मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो तीनों सो जाते हैं तो अचानक बाहर से गाय, गधे और कुत्ते की आवाजें आने लग जाती हैं। हाय मीठे मैं मर गई, मीठे बाहर जाके देखा, आज ये क्या सियापा ले आए हैं? अरे बेगम, ये तो हमारी नाक पर ही लड़ गए, चल बाहर चल के देखते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो आग
बिट्टू ने गाय, गधा और कुत्ता भी वहाँ बांधा हुआ होता है। ये तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है? अपने जानवर खोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। बेटा बुला लो पुलिस को, हमने तो ये जगह तेरे से एक महीने के लिए ली है, हम जो मर्जी करें। मर्जी मर्जी कोई नहीं चलेगी तुम्हारी, अपनी मवेशी मंडी उठा बोरिया से गुम हो जब। हमने आपको इस जगह के 1.5 लाख रुपए दिए हैं, हमें 3 लाख रुपए दे दो, हम चले जाते हैं। तो मेरे को जाओ, मैं भी पैसे लेके आती हूँ। नसीबो अंदर जाती है और 1.5 लाख रुपए ले आती है। ये लो अपने 1.5 लाख रुपए और बाकी 1.5 लाख की जगह मीठे को ले जाओ, बोर से मार मार के बंदर बढ़ा दे। अरे बेगम ये तो क्या कह रही है, मुझे इनके साथ ना भेज, ये मुझे बहुत मारेंगे। तू 1.5 लाख रुपए इन्हें दे दे, कसम से मैं आज से तेरे तो क्या पूरे मोहल्ले के बच्चों के निक्कर, चड्डी, बनियान और कच्चे दूंगा। तो ठीक है हमारे साथ चलो, हमारे पास बहुत लोगों के कच्चे और बनियान है, चल कर वो दो। वो मीठे को अपने साथ ले जाते हैं और अगले दिन उससे खूब कपड़े धुलवाते हैं।